रामपुर की स्कूली छात्राओं ने रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार सैनिकों के साथ मनाया। मिलिट्री पृथ्वी स्टेशन अवेरी के सैकड़ों जवानों को छात्राओं ने राखी बांधी और उनकी दीर्घायु की कामना की। छात्राओं ने बताया कि देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात सैनिकों को बहन की कमी का एहसास ना हो, इसके लिए उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार सैनिक भाइयों के साथ मनाया, जिसकी उन्हें बेहद खुशी हो रही है। रामपुर के साथ लगते नोगली स्कूल की छात्राओं ने रक्षाबंधन का पर्व अवेरी पट्टी मिलिट्री पृथ्वी स्टेशन जाकर सैनिकों के साथ मनाया। इस भाई बहन के पवित्र पर्व को शिक्षकों की प्रेरणा से छात्राओं ने अवेरी सैन्य पट्टी जाकर इसलिए मनाया ताकि देश रक्षा में जुटे जवानों को इस पर्व के दिन अपने घर से दूर होने का एहसास न हो। छात्राओं में भी इस बात की खुशी थी कि देश रक्षा में सरहदों पर डटे सैनिकों को भाई बनाकर इस पवित्र बंधन में बंधने का उन्हें मौका मिला। वहीं सैनिक भाइयों का कहना भी है कि वे देश की रक्षा के लिए सरहदों पर होते हैं और इसलिए रक्षाबंधन के लिए घर नहीं जा पाते, जिस कारण स्कूली छात्राओं के साथ मिलकर रक्षाबंधन मना रहे हैं। उन्हें इस बात की खुशी है। भाई हैं, हम बहुत दूर दूर रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर बहनें नहीं आ पाती, रक्षाबंधन का त्यौहार आसानी से हम नहीं मना पाते। इस वजह से बाहरी स्कूल से जो बहनें आई हैं उनके साथ हम पुराना रक्षाबंधन का पर्व आसानी से मनाते हैं। हम देश की सेवा के लिए घर से दूर रह करके जान लगाकर देश की सेवा करते हैं, इसीलिए जो स्कूल से बच्चे आए हैं उनके साथ हम मिलजुल करके पूरे फौजी भाई एक रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। इस पवित्र पर्व पर स्कूली छात्राओं ने सैनिकों को राखी बांधी और उनकी दीर्घायु की कामना की। छात्राओं ने कहा कि उन्हें गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे वीर सैनिक सरहदों की रक्षा करते हुए किसी तिथि त्यौहार को नजरअंदाज कर हमेशा सीमाओं पर डटे रहते हैं। उन जैसे वीर जवानों को राखी बांधने का उन्हें मौका मिला। हम सभी यहां अवेरी पट्टी मिलिट्री स्टेशन आए हैं। हमारा आने का यही उद्देश्य है, क्योंकि सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी बहनों से मिल नहीं पाते और हम इन सैनिकों की कमी पूरा करने के लिए आए हैं। मैंने भी राखी बांधी और मुझे यह बांधकर अच्छा लगा। अवेरी में रक्षाबंधन मनाने आए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सैनिक अपने घरों से दूर होते हैं, हम यहाँ पे रक्षाबंधन मनाने इसलिए आए हैं ताकि उनको अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो। वे यहाँ पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, बस इसीलिए ताकि हम घर पे सुरक्षित बैठ सके, इसीलिए हमें राखी बांध के अच्छा लगा था। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य बीआर सक्सेना ने बताया कि अब देश में पर्व मनाने की परंपरा बदल गई है। इसका श्रेय वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर पर्व को सैनिकों के बीच जाकर मनाते हैं और सैनिकों की हौसला अफजाई करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि जो हमारे देश के सैनिक जो यहाँ पर देश के भिन्न भिन्न जगह से यहाँ पर आए हैं, वो ये न महसूस करें कि हम लोग घर से दूर हैं और बहनों से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर अपने बेटियों के साथ, बेटों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और स्टाफ के साथ यहाँ पर आए हैं और हम हर साल यहाँ पर आते रहते हैं। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।